हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक तुराई की रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ के जी तुराई, और लिए है एक ठो टमाटर, धनिया पत्ता और एक ठो मीडियम साइज का ऑनियन, थोड़ी सी ग्रीन चिली और लिए है सरसों का तेल, हल्दी और चाहिए नमक। लिए है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सुगर और लिए है 1/4 टीस्पून काला जीरा, एक ठो लाल सूखी मिर्च। अब लेना है मस्टर्ड सीड्स, हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स। पहले लिए हैं 1 टेबलस्पून, फिर लिए हैं और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी 2 टेबलस्पून। थोड़ी सी पानी देकर रख देते हैं, सॉफ्ट होने के लिए पेस्ट बनाना है। सबसे पहले तुराई को काट लेते हैं, आगे और पीछे का हिस्सा को काट लेंगे, फिर छिलका को छील लेंगे। ऐसे करके सारे तुराई के छिलका को छील लेंगे। सारे छिलका को छील लिए हैं, अब इसे काट लेते हैं। ज्यादा छोटे छोटे साइज में नहीं काटना है, बड़े बड़े साइज में काट लेते हैं। ऐसे करके आप देख ही सकते हैं, सभी को काट के रेडी कर लेते हैं एक एक करके। अब काटे हुए तुराई को वॉश कर लेते हैं, अच्छे से धोकर रख देते हैं स्ट्रेन होने के लिए। अब लिए हैं ऑनियन को छिलका को छील के लंबे लंबे साइज में काट लेते हैं। ऑनियन को काट लिए हैं लंबे लंबे करके, अब टमाटर को भी काट लेते हैं क्यूब्स के आकार देकर छोटे छोटे साइज में। टमाटर को भी काट के रेडी कर लेते हैं। ऑनियन और टमाटर को काट के रेडी कर लिए हैं। अब लिए हैं धनिया पत्ता, इसे भी बारीक काट लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म होने पर दिए हैं सरसों का तेल, तेल गर्म होने पर दिए हैं काला जीरा, एक ठो लाल सूखी मिर्च मिडिल की तरफ से चीरा लगा के। अब दिए हैं काटे हुए ऑनियन को लंबे लंबे साइज में। काटे हुए ऑनियन को देकर कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब दिए हैं थोड़ी सी नमक, नमक देने के बाद अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं ऑनियन को। कुछ सेकंड भूनने के बाद अब दिए हैं काटे हुए टमाटर को देकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम लिए हैं सिल, सिल के ऊपर रखेंगे भीगे हुए मस्टर्ड सीड्स। अब दिए हैं कुछ हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें नमक भी डालेंगे। अब लिए हैं सिल का बट्टा, थोड़ी सी पानी ऐड करके पीस लूंगी। स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं, अब इसे तोड़ लेते हैं एक बाउल में। इधर टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें देते हैं काटे हुए तुराई को, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके तुराई को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब दिए हैं हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर देने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं तुराई के साथ। सरसों की पेस्ट में दिए हैं थोड़ी सी पानी, देकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तुराई को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें देते हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके और कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब इसमें लीड देकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। लीड हटाकर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तुराई थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
हाफ टीस्पून शुगर, हाफ टीस्पून शुगर देकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके और कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। ये देखें तुराई सॉफ्ट हो गई है, आप देख ही सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों की पेस्ट को। एक छल्ली की मदद से छान के डाल देंगे सरसों की पेस्ट को। मैंने यहाँ पर यूज किया है रेड सरसों, आप येलो सरसों भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से छान के डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं तुराई के साथ। अब देते हैं 2 ग्रीन चिली मिडिल की तरफ से चीरा लगा के ऊपर से। अब लीड देकर पकने के लिए छोड़ देते हैं कुछ सेकंड के लिए। लीड हटाकर चेक करते हैं, आप देख ही सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही चाहिए। एंड में एक बार चेक करके अब दे दिए हैं थोड़ी सी नमक, आप भी एक बार चेक कर लें। तुराई रेडी है, आप देख ही सकते हैं। अब इसमें देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ता को। बारीक कटी हुई धनिया पत्ता को देकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। अब इसे तोल लेते हैं। अब इसे निकल के रखते हैं एक बाउल में। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ जरूर सर्व करें, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलूंगी दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।